हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास ऐसे कि कार का माइलेज कितना है, कार का फ्यूल कंजप्शन कितना है और फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है वगैरह वगैरह करके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। तो आज मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। बट फिलहाल अभी इस कार की एक भी सर्विस नहीं हुई, तो इसका माइलेज थोड़ा कम ही निकलेगा। जो फर्स्ट और सेकेंड सर्विस है उसके बाद थोड़ा माइलेज इंप्रूव होगा, ऐसा कंपनी वाले कह रहे हैं मुझसे। तो मैं पहले आप लोग को आज की वीडियो में दिखा देता हूँ कि ये कार फर्स्ट सर्विस के पहले कितना माइलेज दे देती है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको मीटर मीटर में। देखिए अभी आपको दिखा रहा है, अभी मैंने एकदम रिसेट कर दिया मीटर, कार स्टार्ट है। तो अब मैं थोड़ा कार चलाता हूँ, सिटी में चलाऊंगा और माइलेज दिखाऊंगा कितना निकालती है। एकदम नॉर्मल चलाऊंगा जैसे चलाता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अभी रोड पर चला रहा हूँ और काफ़ी ट्रैफिक भी है ठीक ठाक कार में, मतलब अभी रोड पर ट्रैफिक भी है। तो अभी मेरा माइलेज शो कर रहा है, 8 से स्टार्ट हुआ है दिखाना माइलेज मुझको। तो अभी मैं कार को एकदम नॉर्मल स्पीड पे जैसे सिटी में ड्राइव करते हैं हम लोग, वैसे ही ड्राइव कर रहा हूँ और देखते हैं कितना बढ़ता है सिटी में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैंने अच्छे से ड्राइव किया काफ़ी, तो बीच में फिर ट्रैफिक मिल गया, लेकिन ट्रैफिक में मैं तब से चला रहा हूँ। बट माइलेज अभी मुझको शो कर रहा है 17.3 का, अभी 16 पहुंच गया क्योंकि काफ़ी खाली रोड मिल गई थी बीच में, लेकिन ट्रैफिक में भी ये काफ़ी मतलब मुझे 16 के आसपास ही डिलीवर कर रहा है सिटी में। तो फ्रेंड्स, एसी अभी कार का मैंने ऑफ कर रखा है, बीच बीच में ऑन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उतनी ठंड अभी चल रही है, बहुत गर्मी है नहीं। तो अगर एसी ऑन भी करता हूँ तो यहाँ 0.2 का फर्क आएगा, मतलब 16 में ही रहेगा कार का माइलेज जब जब मैं ऑन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं अभी तो 17.918 पहुंच गया माइलेज, तो माइलेज काफ़ी अच्छा है सिटी में। अभी मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ कैसा माइलेज है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी तो बहुत ही ज़्यादा वाला ट्रैफिक हो रहा है इधर उधर। तो अभी मैं एसी पे कार को चला रहा हूँ, तो एसी से अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो मैंने थोड़ा रेस दिया था जोर से, तो कार का माइलेज 15 के आसपास चल रहा है अभी, 14.3 दिखा रहा है, बट ये 15 से ऊपर ही चल रहा था। अभी मैंने थोड़ा रैप किया कार को ज़्यादा, जैसे अब यहाँ पे बस वाला है कहीं भी रोक दे रहा है बार बार, तो इसके वजह से थोड़ा रैश ड्राइव करना पड़ रहा है। तो वैसे एसी पे भी अच्छा माइलेज दे रही है कार, कार 15 के अबाउट, बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी 15 का माइलेज दे दे रही है एसी पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ ट्रैफिक है अच्छा खासा, आगे भी है, और माइलेज मुझे मिल रहा है 17.918 18 का मुझे सिटी में निकाल ले रहा हूँ मैं। और मैं तो अभी काफ़ी मतलब फ्यूल इकोनॉमिकली ड्राइव कर रहा हूँ कार को, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको भी इस कार से इजीली 16 टू 15 के बीच में मिल जाएगा सिटी में एसी के साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक अच्छा खासा है और क्लच और ब्रेक का अच्छा यूज़ हो रहा है, पूरा ट्रैफिक है एरिया और वन वे है रोड, और अभी भी माइलेज मीटर पे शो कर रहा है 18 17 ऐसे ही, 17.8 18 17 इतना ही। तो माइलेज काफ़ी अच्छा है कार का, तो मैं बाकी बातें आपसे घर पे करता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ड्राइव से वापस आ गया हूँ एंड कार का माइलेज मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। हर एक छोटी छोटी कंडीशंस पे कहीं कहीं ट्रैफिक कम था, कहीं कहीं ज़्यादा था, इसलिए मैंने दो तीन क्लिप्स आपको दिखा दी कि हर कंडीशन में कार सिटी में भी कई कंडीशन बन जाती है। एक तरफ थोड़ा ओपन ट्रैफिक होता है, मूविंग ट्रैफिक, और एक तरफ बम्पर टू बम्पर होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करके कई सारे फिगर्स आप लोग को दिखाए कब कब कैसे फिगर्स मिल रहे थे। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपको सिटी में कार आराम से 14 से 16 के बीच में माइलेज डिलीवर कर सकती है। और अभी इस कार की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, जिसमें जिस सर्विस के बाद इसका माइलेज थोड़ा बढ़ जाता है, वो लोग कहते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सर्विस के बाद माइलेज बढ़ जाना चाहिए। और तो उसके बाद भी मैं माइलेज का दिखाऊंगा कि अगर ऐसा कुछ है या फिर ये भी मिथ है तो ये बस्ट हो जाएगा सेकेंड सर्विस के बाद, अगर ऐसा मिथ होगा। और अगर सही होगा तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, कार में अगर माइलेज इंक्रीज होता है, 1-2 किलोमीटर भी इंक्रीज होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो भी। एंड आप लोग इससे हाईवे पे आराम से माइलेज निकाल सकते हैं, 18 से 19 का आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आप 100 से नीचे ड्राइव करते हैं, उससे ऊपर जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, वरना ऐसे आपको बहुत ही अच्छा माइलेज मिलता है कार में। और मुझे ऐसा कोई नहीं कंप्लेंट लगी कि कार का माइलेज कम है, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कम है, बट मैंने आप लोग को पूरे फिगर्स और ट्रैफिक भी दिखाया साथ में चला के। मैंने तो 18 से 19 के बीच में भी बीच बीच में निकाला, और एक टाइम पे 20 पहुंच गया था उसका,
एवरेज मीटर, बट उसके बाद फिर कम हो गया इसलिए मैंने वो शो नहीं किया। बट वो 20 अबव पहुंच गया था, 21 से 24 के बीच में पहुंच गया था, लेकिन मैंने 18-19 ही मैं मेंटेन कर पाया, उसके बाद वो कम हो गया। एंड उसके बाद अगर थोड़ा रैप करके आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा माइलेज बहुत अच्छा। अगर आप एकदम जैसे कार ड्राइविंग करते हैं और आराम से एक्सलरेटर पे आप जोर देते हैं, बहुत ज़ोर से अगर आप एक्सलरेट करेंगे कार को तो सिंपली ज़्यादा फ्यूल खाएगी और आपको एवरेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये कार आपको आराम से 14 से 16 के बीच में माइलेज दे सकती है सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये था अभी फर्स्ट सर्विस के पहले का माइलेज का वीडियो, और अगर इसमें कुछ इंक्रीज होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर, सेकेंड सर्विस के बाद भी एक माइलेज का। बट ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा तो जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड नहीं कोई प्रॉब्लम लगी, कुछ ख़राब लगा तो डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल नीचे रेड कलर का बटन है अभी दबा दीजिए, और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ये मिथ है कि फॉर फ्री स्टाइल माइलेज कम देती है, और वो भी ये पेट्रोल वेरिएंट था, आपको पता है मेरा पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पेट्रोल वेरिएंट की बात है। तो पेट्रोल वेरिएंट में काफ़ी अच्छा माइलेज पेट्रोल के हिसाब से, एंड इतनी हाई टॉर्क वाली कार और इतने अच्छे माइलेज वाली कार के हिसाब से इसका माइलेज बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लोगों के मिथ बस्ट हो जाए फ्री स्टाइल को लेकर कि इसका माइलेज कम है, मैं आप लोग को निकाल के दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सेफ चलिए, गुड बाय।